आदाब। अपना दर्पण में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर्स की फेस्टिवल सीरीज़ हुनर हाट की। हुनर हाट यानी क्राफ्ट, कुजीन और कल्चर। हुनर हाट का 24वां पड़ाव नवाबों की नगरी लखनऊ में डाला गया है। शिल्पग्राम में लगे इस मेले में कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लगभग 200 दस्तकारों ने अपने बेमिसाल हुनर का मुजाहिरा किया। हमारे जो दस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, उनकी जो ये जानदार शानदार स्वदेशी विरासत है, उसको मौका मार्केट मुहैया कराने का एक बहुत ही प्रमाणिक और परफेक्ट प्लेटफॉर्म हुनर हाट साबित हुआ है। हुनर हाट की पैवेलियन में घुसते ही हस्तकला के सत्यम शिवम सुंदरम रंगो रूप सामने आते हैं। खूबसूरत लिबास, गहने, शॉल, पर्स, चूड़ियाँ, जूतियाँ, क्रॉकरी, पर्दे, चटाइयाँ, कालीन और साजो श्रृंगार और घर मकान की सजावट के अनगिनत किस्में जो पहले ही नज़र में मोह लेती हैं। लकड़ी, टेराकोटा और मेटल के खूबसूरत प्रोडक्ट रंगो नूर का एक लंबा और दिलकश सिलसिला इसमें अपनी माटी की सौंधी सौंधी महक भी है और गंगा जमुनी संस्कृति में जन्मे, पले और बढ़े कला और शिल्प के अनमोल और अमिट चटक रंग भी। जी हमारे पास सब कुछ है, बनारसी साड़ी, सूट, दुपट्टे, लहंगे, कपड़े, फैब्रिक, सब कुछ है, सब कुछ है। ये सब कुछ हैंडीक्राफ्ट होता है, ये पूरी चीज़ ना हैंडलूम की बनी होती है। आप इसको वर्क करके अच्छी चीज़ अच्छी प्राइस के साथ आप बेच भी सकते हैं। ये कॉटन सिल्क की साड़ी है कि हमारे पास साड़ी है प्योर की जो है आपको देखिए, ये बनारसी साड़ी आएगी ये, जिसकी 4500 इसकी प्राइस आएगी। जैसे कि हमारा इसका दुपट्टा है, इसका का कपड़ा है, ये साड़ी हमारे पास से 1500 से लेके हमारे पास 6000 तक की साड़ी है। ओके, अब जैसे कि सूट में हमारे पास है 1500 से लेके हमारे पास 5000 तक की आएगी। और जैसे कि हम लोग नॉर्मली लेते हैं, वरना तो सूट हमारे के 10-10-20 हज़ार का सूट तैयार होता है। हैदराबादी बोलते सानियार बोलते हैं, देवदास पिक्चर में आप देखो से होंगे। ऐश्वर्या राय पहनती है इसको, अकबर में है और देवदास में है और पुराने पिक्चरों में भी है, श्रीदेवी। ये ओरिजिनल मोती है जो इसमें से निकालते हैं हम लोग, इसमें से निकाल के छटाई करते हैं, छटाई कर फिर हम लोग इसको बनाते हैं। ये पिंक कलर का मोती है, अभी जो आप देख रहे हैं मेन ये है ना, तीन कलर का ही आता है, एक ग्रे आता है, पिंक आता है और एक ब्लैक आता है। ब्लैक तो अभी मिलता भी नहीं। पूरे मोती ऑलरेडी बोलते हैं सब जगह वर्ल्ड में नंबर वन हैदराबादी पल्स बोलकर बोलते हैं, तो हैदराबादी नंबर वन नकाशी करता है। वहाँ पर समुंदर नहीं है, ये बहुत लोग बोलते हैं ऑलरेडी समुंदर है ना, जहाँ बाहर है मुंबई है, कलकत्ता है, वो जहाँ पर भी रहता है वहाँ से शिप भी लेकर आते हैं, मुंबई से पूरा माल हैदराबाद आता है। इसकी एक खासियत है जो आप समझ रहे होंगे कि प्लास्टिक है, तो इसकी भी पहचान बता देता हूँ। आप ओरिजिनल पल्स लेंगे ना तो उसको जलाएंगे तो जलेगा। वायलन जो है ऑल ओवर इंडिया में सबसे पहला वायलन जो था मेरे ग्रैंडफादर थे अमीरुद्दीन हसीनुद्दीन, तो उन्होंने वायलन बनाया था उनकी। अब मैं थोड़ा स्टोरी इन डिटेल बताता हूँ। मेरे जो ग्रैंडफादर थे अमीरुद्दीन, तो वो लकड़ी का काम जानते थे, तो बॉम्बे में काम करते थे। तो वहाँ पर उन्हें एक दिन चोर बाजार में उन्हें वायलन दिखा, तो उन्होंने उनको काफी शौक था संगीत वगैरह का, तो उन्होंने सोचा कि मैं उस वायलन को लेकर आता हूँ, उन्हें बजा कर देखूँ। वो वहाँ सर लेकर आए, रामपुर आ गए वो, उन्होंने वायलन थोड़ा बहुत जैसे तैसे सीखा उन्होंने बजाना। उसके बाद जब वायलन वो सीख के ट्यूनिंग रहती है इसकी, वो जब वो ट्यूनिंग करते हैं तो वो साउंड थोड़ी सी इरिटेटेड साउंड रहती है, जब वो इरिटेटेड साउंड रहती है वो कानों में आती थी उनके बड़े भाई के। अमीरुद्दीन जो थे वो छोटे भाई थे, ओके, उनके बड़े भाई थे हसीनुद्दीन, उनको काफी इरिटेट करती थी। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन गुस्से में उनसे मना किया पहले, तो
के मन बजाया कर ऐसे क्या रहता है, ये दिन भर का थका आता हूँ मैं काम से और तू ये फिर टूट 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 कर बैठ जाता है। तो उस तरीके से उन्होंने एक बार इग्नोर कर दिया कि बड़े भाई हैं बोल रहे हैं ऐसे, तो अब क्या होता है एक दिन उनका काफी मूड खराब रहता है हसीनुद्दीन जो थे, तो अब वो आते हैं फिर वो ट्यूनिंग कर रहे होते हैं बैठे हुए, तो आकर गुस्से में वायलन तोड़ देते हैं छोटे भाई। एक दिन आप छोटे भाई को काफी बुरा लगता है कि यार मैं एक ही चीज थी मुझे काफी अच्छा लगता था मैं यही बजाता था, दो तीन दिन खाना नहीं खाया, वो काफी सैड हो गया, कुछ बोलना नहीं कुछ नहीं। तो बड़े भाई को एहसास हुआ कि यार मैंने गलत किया आपके छोटे भाई के साथ, मुझे नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा चल अमीरुद्दीन मैं तुझे वायलन बना कर देता हूँ। फिर उसी तरीके से उन्होंने एक वायलन उनके लिए बनाया, जब वो देखा तो वो बजना अच्छा शुरू हुआ। उसके बाद क्या रहता है कि उनके पास एक और आइडिया आता है कि क्यों ना हम अभी इसको मार्केट के लिए बनाते हैं। फिर उन्होंने पहला वायलन बनाया लखनऊ ही में, उन्होंने अपना पहला वायलन आकर सेल किया। उसके बाद से उन्होंने जब मार्केट हमारा 50 से 60 साल हो गया हमारे इस काम को, ऑल ओवर इंडिया में हमारा ही वायलन मैन्युफैक्चर होता है और रामपुरी एकमात्र ऐसी जगह है जहां वायलन सिर्फ बनता है। उससे पहले जर्मन वायलन रहता था, उससे पहले बनता ही नहीं था। ब्रिटिश एरा में कहां इतना म्यूजिक वगैरह को मिलता था, ब्रिटिश एरा के खास बाद में ही अपना वायलन का हमारा स्टार्टअप हो गया। तो उन्होंने ऊद देखा एक बार एक फिल्म वाला, तो एक बार उन्होंने फिल्म में एक ऊद देखा, तो वो बाहर का होता नहीं है कि अपने गर्ल साइड में, तो उन्होंने ऊद देखा कि यार ये तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है क्यों ना बना के इसको देखा जाए। उन्होंने उस फिल्म को 3 से 4 बार देखा। उस फिल्म को 3 से 4 बार क्यों देखा, फिल्म देखने के लिए नहीं, इसको सिर्फ इसको देखने के लिए, मतलब डेडिकेशन लेवल इस तरीके। उन्होंने देखा इसको, एक एक चीज देखी, फिर उन्होंने आकर खुद डिजाइन किया उसका, पहले स्ट्रक्चर बनाया ऐसी रफली, फिर उसका उन्होंने ऊद ट्राई किया। ऊद के अंदर उन्होंने 2-3 तरीके की लकड़ी जोड़ी, स्टार्टिंग में थोड़ा फेल हुए, उसका जब साउंड निकलना शुरू हुआ तो बन ही गया। उधर एकमात्र जगह रामपुर ही ऐसी है जहाँ पर मेरे ही अंकल है, पूरी इंडिया में गूगल करेंगे आप के ऊद इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया तो उन्हीं का फोटो आएगा और वही एक इंसान है पूरे इंडिया में जो ऊद बनाते हैं, उनका नाम है जमीरुद्दीन। सर लेवल हमारे यहाँ स्टार्टिंग है 2600 से लेकर ये हमारे पास 10,000 तक है, ये हमारे होलसेल रेट्स है जितने भी हैं, तो यही मैन्युफैक्चरिंग रेटिंग है हमारे। ये अगर आप रिटेल रेट देखेंगे जाके तो ये प्राइस डबल हो जाता है, क्योंकि अभी हमने लास्ट मंथ ही हमने इसके 3 से 4 पीस यूएसए भेजे हैं। इसका स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये जर्मन वुड है, ये आपका इगोनी वुड है, ये पाइन वुड है, ये शीशम आ गया, ये शीशम आ गया, ये भी शीशम है। इसके अंदर 6 इलेक्ट्रोमेटल रहते हैं, 6 नायलॉन वायर रहता है, बाकी ये पूरा अलग अलग वुड से। हुनर हाट के इंतजाम और आम लोगों के रिस्पांस से मेले में आए दस्तकार बहुत खुश हैं। मैं कश्मीर से है सर, मेरा नाम है मोहम्मद इमी नायक सर। इससे फायदा बहुत है हमारे को, इससे बहुत फायदा है। गवर्नमेंट हमारा तेल ही देता है, सब कुछ देता है, रहने सहने का जगह देता है और स्टॉल भी देता है। ये उनका बहुत 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 धन्यवाद है कि ये देता है ये हमको सर, यहाँ तो कारोबार बढ़ेगा।